नमस्ते साथियों, मैं स्वाति हूँ। हाँ, जो मैं देख रही है बहुत बहुत आसान और यूजफुल कॉन्वर्सेशन है। सो वे क्या कॉन्वर्सेशन है? एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। द पार्ट 1 इज कॉन्वर्सेशन इन अ हॉस्पिटल विद अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। द सेकेंड कॉन्वर्सेशन इज इन अ दुकानदार, सो बिटवीन अ दुकानदार एंड अ बॉय, सो विच इज buying a pen in a pen shop. So today we are going to see the part 3 as in a bookshop. So how to converse when we are in a bookshop? So let's see. So usually we sign in first one as patient. So first one as a doctor and a ladka, so which a doctor and a boy. In second one also we show shopkeeper and a boy. Dukandar or ladka. So in this we are using a new word. Grahak means customer. So everywhere we cannot say this is a boy, so we have to tell them as customer. So for that we use the word grahak, and the same shopkeeper, dukandar. So let's learn it. Dukandar, aaiye aapko kaun sa kitabein chahiye? आओ बेटा, आपका कौन सा किताबें चाहिए? कम कस्टमर, सो कम कस्टमर इफ यू वांट टू टेल हिम एज अ बॉय, सो आओ लड़का, सो इफ यू वांट टू टेल एज अ कस्टमर आओ, नो वांट टू मेंशन एनीथिंग, प्लीज कम, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू वांट? मुझे मध्यमा की किताबें चाहिए। आई वांट मध्यमा बुक्स, मुझे मध्यमा की किताबें चाहिए। दुकानदार, अंग्रेजी मध्यमा की किताबें या तमिल मध्यमा की किताबें? यू वांट मध्यमा बुक इन इंग्लिश वर्जन और तमिल वर्जन? सो दे विल बी हैविंग ट्रांसलेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? सो विच इज कंफर्टेबल फॉर यू? ये ऐसा शॉपकीपर इज आस्किंग लाइक दैट। सो ग्राहक, मुझे अंग्रेजी मध्यमा की किताबें चाहिए। आई वांट इंग्लिश वर्जन इन मध्यमा बुक। सो यू आर रिप्लाइंग दैट आई वांट इंग्लिश वर्जन इन मध्यमा बुक। सो लेट्स मूव टू दुकानदार। ये लीजिए मध्यमा की किताबें। टेक दिस मध्यमा बुक। दुकानदार, दाम की कटौती मिलेंगे या क्या? इज देयर एनी डिस्काउंट? डिस्काउंट यू विल बी आस्किंग व्हेन यू आर गोइंग टू अ क्लॉथ शॉप, सो और एनीथिंग यू विल बी आस्किंग, क्या इज देयर एनी डिस्काउंट इन दिस थिंग, इज देयर एनी डिस्काउंट इन दैट थिंग? सो आप ऐसा बोलती है ना, सो यू विल बी आस्किंग लाइक दैट। सो लाइक दैट द कस्टमर इज आस्किंग, इज देयर एनी डिस्काउंट इन दिस बुक? The shopkeeper is telling, दस परीक्षित कौटती देता हूँ। So here we learn a new word. What is that? कौटती. कौटती means discount. हाँ, दस प्रशक्ती कौटती देती हैं. Yes, we give 10% discount in this book. So next one. ग्राहक, नोटबुक के लिए भी कौटती मिलेंगी? व्हाट इज देयर डिस्काउंट आल्सो फॉर नोट एंड बुक्स? सो इफ यू आर बाइंग अ, इमेजिन यू आर इन अ क्लॉथ शॉप एंड यू आर बाइंग सम न्यू थिंग्स एंड देयर यू सॉ अ 20% or 30% ऑफ डिस्काउंट्स एंड यू आर आस्किंग, यू सी देयर आर सम न्यू क्लॉथ्स व्हिच इज सो ब्यूटीफुल देन दैट, so you are asking is the discount for that also, so you are asking like that, right? So in that case you have to tell like that. Notebook ke liye, mention the things what you want and tell ke liye bhi kautati milengi, ke liye bhi kautati milengi, so you have to tell like that. So next one, what is next one? And dukandar is telling, ji nahi, सिर्फ किताबें के लिए कौटती मिलेंगे। सो द
shopkeeper will tell, so no, no, sorry, only discount for that, only discount for this. So they aisa bolti hai. In this case the shopkeeper is telling, nahi nahi, isliye bhi hai. So next one, acha rakam ke lijiye. Thank you.